हेलो नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं बी फिल्म सिस्टर मीडिया। इन दिनों फिल्मों का दौर है और अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, सिलेक्टेड फिल्में हमें देखने को मिल रही हैं, नहीं तो सब ओटीटी पे रिलीज हो रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि हम जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, RR पोस्टपोन हो चुकी है। सही बात यही है, आप सदमे में मत जाइए, सच में यही बात है कि RR पोस्टपोन हो चुकी है। आपको बता दें क्यों पोस्टपोन हुई है। एक्चुअली कोविड के वजह से ये फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है। आपको बता दें इसके पहले रिलीज हुई फिल्म, बॉलीवुड की बड़ी फिल्म 83 रिलीज हुई, अच्छे रिव्यूज आए, अच्छी फिल्म भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी लागत थी उतनी कमाई भी नहीं कर पाई। इसी को देखते हुए फिल्म RR पोस्टपोन कर दी। आपको बता दें कि जब आपने NTR और रामचरण SS राजामौली की फिल्म को देखने के लिए जब इतनी मेहनत लगाए और इतना मतलब इतना भाई कि आए कब रिलीज़ हो, देखें, क्योंकि बाहुबली के बाद एक बड़ी फिल्म देखने का, SS राजामौली की फिल्म देखने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ और इंतज़ार बढ़ा दिया गया है। तो और इंतज़ार करिए, अभी इसका डेट भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जब डेट अनाउंसमेंट होगा उस टाइम हम आपको बताएंगे कि भाई RR कब रिलीज़ होगी। और आपको बता दे यही फिल्म नहीं, जर्सी फिल्म शाहिद कपूर की आने वाली जो कि साउथ की रीमेक है, वो फिल्म भी पोस्टपोन कर दी चुकी है। बढ़ते कोविड के केसेस के वजह से ये फिल्म का क्योंकि कलेक्शन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं होगा। और एक ऐसी फिल्म है जो कि थिएटर में ही देखना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फ़ोन में देखने और OTT पे देखने लायक फिल्म नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इतने खर्चे, इतनी महंगी फिल्म और फ़ोन में देखें। तो इसलिए इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि ये फिल्म अभी 7 जनवरी को ही रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन रिलीज़ नहीं हुई और ये फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है। तो भैया और इसी से रिलेटेड कोई खबरें होगी तो हम लेकर ज़रूर आएंगे। देखते रहिए बी फिल्म सिस्टर मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।